तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग पार्ट टू की तरफ बढ़ेंगे और देखा जाएगा और भी ज़्यादा इसको एक्सप्लोर किया जाएगा। थोड़ा यहाँ पर आने जाने में काफ़ी रिस्क है, बहुत संभाल के जाना होगा। ये देखिए इतना ही दूरी है, अगर पैर फिसला तो आदमी गया, लगता है किसी का सोना वगैरह गिरा हुआ है। चलिए आगे की तरफ ऊपर चढ़ते हैं, यहीं से हम लोग उतरे थे। बाकी वो दो लोग उधर घूम रहे हैं ना, ये देखिए पानी ऐसे बह के, ये पानी इसी रास्ते से होते हुए, ये देख रहे हैं ये पानी ऐसे ऐसे होते हुए ऐसे से निकल जाएगा। मछलियाँ, हाँ मछलियाँ काफ़ी हैं। आइए, इसमें दिन का समय हो गया है आपका, करीब करीब दो बज चुका है। चलिए ये है मुक्का फॉल, यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग घूम रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि इधर कुछ है, आप जाना चाहे चलना चाहें तो यहाँ से रास्ता है, देखिए यहाँ से उतरेंगे, ये ऐसे उतरते हुए ऐसे, वहाँ पानी थोड़ा और स्थिर हो जाएगा। हाँ सानी वहाँ पर शांत हो जाएगा। चलिए ऊपर चलते हैं, तो मंदिर की तरफ चला जाएगा और मंदिर को भी देखा जाए, है ना, दर्शन किया जाए। चलिए हालांकि यहाँ पर कोई है नहीं, मतलब अगर आप कुछ नाश्ता वगैरह करना चाहेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई बनाना पड़ेगा। खैर उत्तर प्रदेश सरकार को अपने इन सब चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, टूरिज्म के लिए ना, पब्लिक तभी आएगी जब आप सुविधाएं देंगे। हाँ अच्छा, यहाँ पर चढ़ने से क्या है, ये देखिए गोला सा जो बना हुआ है, इस पर भी चढ़ के देखा जाए, ये क्या है, क्या आखिर। अच्छा इधर भी देखिए कुछ लोग आके बाइक वगैरह खड़ा किए हैं, यहां से व्यू के लिए है। हाँ सेल्फी पॉइंट, चलिए नीचे की तरफ चला जाए। और यहां से लोग सेल्फी वगैरह, किसी ने बाइक लाके खड़ा किया है, पार्टी चल रही है नीचे। अच्छा अच्छा लोकल होंगे ना, ये लोग बना रहे हैं कुछ खाना पीना, खाते निकल दो। ये सब जाते कैसे होंगे यहाँ से, अरे इसे खड़ा यहाँ से, तक कहीं यहाँ बाइक रखी और से होगा रास्ता, दाहिने से इधर देखा जाए, अच्छा यहीं से उतर के। हाँ हाँ अरे देखिए कुत्ता भी आ रहा है, इन लोगों को सीढ़ी की आवश्यकता तो है नहीं, काफी ऊंचाई पे है। अरे देखिए वो है मेन, है? नहीं इतना पानी थोड़ी ना होगा, पूरा भर के चलता तो पेड़ डैम से आ रहा है, तो डैम में जब छोड़ता होगा पानी, कुछ हद तक होता होगा बट पूरा नहीं होता होगा, पूरा तो नहीं, मतलब इस कोने से उस कोने तक, हाँ कुछ तो होता है, क्योंकि हाँ हमको लगता है कि ये कुछ नहीं, तो इस समय हम लोग करीब 350 फीट के ऊपर आसपास हैं, 300 फीट, 300 फीट तो होगा ही, 250-300 फीट है, भले यहाँ से मोबाइल पे देखने में नहीं लग रहा होगा लेकिन काफी गहरा है। चलिए
जंगली सब्जी होगा। यहाँ पर देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, लेकिन ये बंद हो गया। फिर ये देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर से बनाया गया है ना, सरकार की तरफ से बना होगा। हाँ, टूरिज्म डेवलप करने के लिए, लेकिन पब्लिक आई नहीं। एक तो दूसरी सबसे बड़ी समस्या रोड का है, 3 किलोमीटर तक का बिल्कुल मतलब मिट्टी का रोड है। बाइक वाले किसी तरह आ पा रहे हैं, मुझे लगता है बरसात वगैरह में लोग यहाँ पर रहते आते होंगे। खाना पीना क्या है? और मैं समझता हूँ मोस्टली जो है ना, इसमें कुछ है क्या, खर बोला कुत्ता होगा। मोस्टली जो है लोकल लोग ही आ रहे हैं, आते होंगे आज के टाइम में, दूर से भी लोग आते हैं। देखिए सिर्फ 2 वहाँ पर पुलिस कर्मी हैं, या फिर आप कह सकते हो वन इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर ना, ये लोग बस वन विभाग के। जैसे कि कोई घटनाक्रम घटा उसके लिए, कोई कूद गया डूब गया उसको बचाने के लिए। देखिए मुखा जलप्रपात अतुल्य धरोहर है, कृपया साफ सफाई का ध्यान रखें। गाड़ी है ना, 3 टुकड़ी है। ये देखिए, ये हमको लगता है कुछ होगा मोटर वगैरह के लिए बना। आते रहिए, चलते रहिए। तो ये इसका आप कह सकते हो कि एंट्री पॉइंट है इस पूरे जल प्रपात का, एंट्री है फ्रंट व्यू। हाँ, यहाँ पर तो पानी का व्यू इतना अच्छा, यही पानी यहाँ से बहते बहते वहां पर जा रही है। चलिए मंदिर में आइए, थोड़ा मंदिर देखा जाए। मंदिर वो सामने है ना, बहुत फेमस मंदिर है, बहुत हाँ बहुत पुरानी प्राचीन मंदिर है, नेट पे भी है तो लिखी हुए देवी कोई माता का मंदिर है। मंदिर अभी रास्ते में पड़ेगा आपको, पता नहीं आप उधर किधर से आए हैं, शिव द्वार करके, हाँ शिव द्वार वहाँ भी जाएंगे। अच्छा, संभाल के चलिएगा। नहीं नहीं, हम लोग अभी सीख रहे हैं YouTube का। अभी अभी उतना हम लोग को बोलने का अभी नहीं है ट्रिक, लेकिन प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, एक ट्रिप हो जाता है लोकल 100-150 किलोमीटर के दायरे में, एक ट्रिप चले जाते हैं। चलिए आप, हम लग रहा है आप उधर से निकलते हैं, आ रहे हैं उधर से। ये पूरा ऐसा ही है, मतलब पत्थर का ही है बना हुआ चारों तरफ। चलिए जिधर देखिए
सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। अरे इधर से तो आगे से निकल लीजिए, आगे से, आगे से। हाँ हाँ नहीं नहीं इधर से आ जाएंगे, आइए बता रहे हैं। हाँ हाँ वहीं से उतरिए। बहुत रिस्क है, ढाकना काफी दिक्कत भरा है। बहुत जबरदस्त बरसात, मतलब ये लुक जो है ना आलीशान लगेगा, क्योंकि चारों तरफ से पानी रहेगा। सब देख रहे हैं पानी ही, सब जहाँ पर दिख रहा है सब पानी ही है। हाँ अभी के लिए यही है जो है, यही गहराई है। इधर हमको लगता है पूरा जो है पानी वानी इकट्ठा हो रहा ना। हाँ चलिए दर्शन कर लिया जाए। हाँ देवी कोई माता का मंदिर इनको बता, यहाँ पर है मक्का पे, मुक्का नाम है मुक्का पार, विकिपीडिया पे लिखा था यही। अब हो सकता है कि उसको कंस्ट्रक्शन करके नया बनाया हूँ, कुछ ऐसा किए होंगे। जय प्रभु। जय माँ। किस भगवान का मंदिर है ये? माता की है? माता की, माता की। जय माता दी। दुर्गा माता का? दुर्गा है बाजी। अरे माता जी हैं पति। दुर्गा हैं काली माता की, ओम माता की, माता की। दुर्गा माता मंदिर है। पुराना, कितने साल पुराना? बहुत पुराना। अच्छा अच्छा इनका नाम? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी। आप पूजा पाठ करते हैं यहाँ पर? आप पुजारी हैं यहाँ के? अभी बड़ा बन रहा है। अच्छा बन रहा है। तो ये मतलब पब्लिक के सहयोग का है तो? हाँ सब के सब। अगर इच्छा करो माता रानी सब कुछ बताइए यहाँ के बारे में, माता की शक्ति के बारे में कुछ। माता की शक्ति अपार है भैया। हाँ ये किला है ऊपर। अच्छा किला है। कोई राजा वगैरह का? हाँ राजा वगैरह, नीचे सीता माता जी के कोहबर है। अच्छा अच्छा कुछ सर सीता माता जी। ऊपर किला है राजा का, कौन से राजा थे? अलाउद जल रहे। अच्छा अलाउद वहाँ सीजर के बगल में, वही सीजर इधर हो, यहाँ फोर्स रहते रहे वहाँ वहाँ रहते रहे।
अब तो राजा के कोई वंशज नहीं होंगे ना। यहाँ से तब उनका बड़का बहुत भरा भरो कि उनका मजा जी लेके लेने में होगा ना। अच्छा आला उदल तो इसी बांदा साइड के थे, जन्म बुनियाद यही रहा, जन्म यहाँ हुआ, जन्म यही हुआ था। अच्छा यहाँ से उसके बाद चले गए थे, झगड़ा हुआ था उसके बाद वो चले अपने बड़का बाबू से, उनके उनके बाबू पिताजी से, उनका बड़का बाबू उनके पिताजी को काट दिए माता जी लिख लिखे जी महोबा दिन भाई। राजा के खानदान रहे ना, माता जी अहिदी रहल, बाप राजा रहे अलहबल, माता जी आज रही आओ पुरुष विष्णु रहन तो राजा रहे, बहुत सत्यवाद रही, सत्यवाद के पाई को राजा रख लिया। चले धन्यवाद। जय माता दी। आइए हम लोग रिटर्न होंगे यहाँ से। तो हमने हम लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया करीब करीब जो है आपका मक्खा वाटरफॉल, मक्खा ना मुक्खा मुक्खा सॉरी। ये देखिए यहाँ पर छोटा सा दुकान है, हाँ ये यहाँ पर जो लोग ग्राहक आते होंगे इनको। यहाँ सबसे पास में कौन सा गांव है? अच्छा पहले शिव द्वार है। अच्छा तो शिव द्वार वो शिव जी का मंदिर भी है ना? शिव का मंदिर है। यहाँ से कितना दूर है? अरे वही लमसम 6 किलोमीटर तो यहाँ शिव द्वार जाना होगा तो रास्ता हमें नहीं बाइक से है जैसे जाना है। बाइक ये गाड़ी जा रही है। अच्छा तो बाइक हम लोग का उस पार है, इस पार कैसे आएगा? अच्छा उसमें जगह है नदी में, तो यहाँ से निकल जाएंगे शिव द्वार। अच्छा किला गिर गया, लंबी 500 बीघा लंबा चौड़ा है जैसे शिव द्वार किला। वो किला मतलब क्षेत्र गिर गया है, कोई है नहीं, नहीं अंदर की व्यवस्था है, ऊपर की व्यवस्था नहीं है। अंदर का मतलब बिना सहा में है किला का, अंडरग्राउंड बाउंड सब, मतलब किला ऊपर और जमीन के अंदर। अच्छा छत, ये ऊपर का छत है तो अंडरग्राउंड तो लोग जाते नहीं होंगे अब, सब लाख है। आप लोग गए हैं कभी? नहीं। बचपन में नहीं, मतलब बहुत पहले सब बंद हो गया, पत्थर तर गिर के बंद हो गया होगा। किसी प्रकार से बंद हो गया, ये पानी अथा है। ये पानी कहाँ से आ रहा है? बेलन नदी से। बेलन नदी से, रावणगंज से जो बनारस जाने में बेलन नदी नहीं पड़ती है, वही नदी है। चलिए धन्यवाद। ये पानी जो है बेला नदी का है। ये तो फिर इसके इस पार जो है कौन सा मध्य प्रदेश लगता होगा ना? ये मध्य प्रदेश लगता है, ये शिवराज। अच्छा ये पूरा इधर से शिव वो यूपी लगता है, ढाई किलो इधर के बाद मध्य प्रदेश। आइए कोई नाइजीरिया का आके लगता है हमको घूम रहा है। वो देखिए काला रंग का है ना एक बैग लटका के, हाँ वही जो ब्लू कलर का पहना हुआ है, लग रहा है नाइजीरिया नहीं है, यही का है। अच्छा बैग लटका के हमको लगा कि हो सकता है भाई आजकल विदेशी जो है भारत में बहुत आ रहे हैं घूमने उमने, देख लेंगे तो उसको लूट लेंगे। है
हम लोगों ने देख लिया इसको भी, लिस्ट में एक और ये जगह ऐड हो चुका है। नहीं ये इंडिनिया नहीं है, नाइजीरिया से फटा जूता थोड़ा पहने घूमेगा नाइजीरियन। रहेगा हालांकि गंदगी है थोड़ा बहुत, यहाँ पे पानी तो उसमें जाते नहाने। बारिश के बाद खुलता है, बारिश के पहले बंद हो जाता है। मतलब यहाँ पर आने का जो सही समय है वो जून से लेके अक्टूबर तक या सितंबर तक। हाँ जून से सितंबर तक, सितंबर के बाद अगर आप आ रहे हैं तो आपको ऐसे रूखा सूखा सब मिलेगा। यही थोड़ा सा पार करना रिस्क है। संभाल के चलिए, बहुत अच्छा लगा, आना सफल हो गया। सही है, मतलब यहाँ पे तो ऐसे ही घूमने हो सकता है या तो फिर अपना व्यवस्था खाने पीने का। हाँ, आप लेके आइए तब आइए। जैसे आप अगर हाईवे पे तो वहाँ पर ढाबा वगैरह है। हाँ। इस वाले हाईवे पे अगर इसके यहाँ पर आते हैं तो इधर से आइए, इधर से आइए, इधर से चलिए, इधर से। ये क्या बता रहे हैं, शिव द्वार? शिव द्वार। अच्छा ये नया मतलब ये मंदिर है। अच्छा क्योंकि चारों तरफ पहाड़। अच्छा पानी अगर ये बंद करेंगे तो पानी खत्म, मतलब यहाँ जो फ्लो है वाटर का ये बंद। हाँ वही पानी यूज होगा एक तरह से, मतलब तालाब टाइप का हो गया। ये आप कह सकते हैं कि बस सीजन के लिए है, एक सीजन यू में आइए यहाँ पर, रेगुलर आने से कोई फायदा नहीं है, है ना? नवंबर तक भी सफिशिएंट पानी है। हाँ मतलब नहा सकते हैं आप आके। हाँ लेकिन इस एरिया में ना आपको शाम नहीं करना चाहिए, मतलब 6-7 नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि पूरा सुनसान रहेगा, कोई रहेगा ही नहीं, है कि नहीं? दिन दिन में आइए, दिन में घूम फिर के जाइए। देखिए क्योंकि हाँ क्योंकि हमने देखा, हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर आबादी के नाम पे मतलब बस लोकल ही हैं जो हैं चुनिंदा कुछ लोग, और पूरे अगर आपने वीडियो जो हमने शूट किया है उस पूरे वीडियो में देखेंगे तो कहीं कोई आपको पब्लिक ज़्यादा नहीं दिखी होगी, है ना? सबसे बड़ी समस्या यहाँ की है कि यहाँ पर लोग ही नहीं हैं अगर आप ऑफ सीजन आते हैं तो। हाँ किस टाइम पे आना है आपको, और ये भी जान जाए कि आप फोर व्हीलर से नहीं आ पाएंगे, अगर बरसात में आएंगे तो आप तो फंस ही जाएंगे, क्योंकि आपका इतना गंदा रोड है कि मिट्टी का रोड, वो भी गंदा। तो ये था कंप्लीट मक्खा जल प्रपात। तो ये आपने देखा दोस्तों वीडियो में, हम लोगों ने पूरा मक्खा जो है आपका जल प्रपात एक्सप्लोर कर लिया। ये देखिए सब खंडहर पड़ा हुआ है, कुछ है नहीं। तो फिलहाल के लिए इसमें इतना ही है ना, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। चलिए बाय बाय बोलिए, तब तक के लिए बाय।